हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरे टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको एक ओरिफ्लेम प्रोडक्ट हॉल दिखाने वाली हूँ। रिसेंटली आई हैव शॉप क्वाइट अ लॉट फ्रॉम ओरिफ्लेम, एंड ओरिफ्लेम इज़ अ वेल नोन ब्रांड है, जानते हैं सब लोग, जानते हैं ओरिफ्लेम इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड एंड दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर ब्रांड। दे आर having shampoos and conditioner, body mist, lip balm, different kind of ranges of every other product. So I thought why not to buy Oriflame and show you all my favorite from Oriflame. So without any further ado, let's just get into the video. बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि वो मुझे कैसे लगे फर्स्ट यूज से। सो मैं कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं दिखा रही हूँ, जो मेरे हाथ में आएगा मैं वो ही रैंडमली पिक कर रही हूँ और वो ही आपको मैं दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट थिंग जो मैंने ओरिफ्लेम से ऑर्डर करी है वो है एक शैम्पू एंड कंडीशनर इन देयर लव नेचर रेंज फॉर ड्राई हेयर। एज यू कैन सी, मेरे हेयर जो हैं वो कलर ट्रीटेड हेयर हैं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और रफ लगते हैं बहुत टाइम। तो मैंने ये उनका लव नेचर का शैम्पू फॉर ड्राई हेयर विद व्हीट एंड कोकोनट ऑयल ऑर्डर करा। सो मैंने शैम्पू के साथ इसका कंडीशनर भी ऑर्डर करा। सो एज यू कैन सी कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, ये प्लास्टिक पैकेजिंग है बट ट्रांसपेरेंट है। सो यू कैन सी कि तुम आपका प्रोडक्ट कितना ज़्यादा यूज हो गया और कितना ज़्यादा रह गया है। और रही स्मेल की बात, तो इसमें से प्योर कोकोनट जैसी स्मेल आती है। आप जैसे ही इसका कैप खोलोगे आपको अपने पूरे तरफ कोकोनट की अरोमा आएगी और ये बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मैं वॉश करने के बाद कोकोनट की स्मेल आएगी मेरे हेयर में से और वो मुझे अच्छी लगती है। तो मैंने ये कोकोनट का कंडीशनर और वही शैम्पू ऑर्डर करा है। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई बोथ दीज प्रोडक्ट्स एंड नो कि ये एक साथ कैसा रिजल्ट देते हैं। तो अभी इनसे वॉश नहीं करा है बट मैं जैसे ही वॉश करूंगी आई अपडेट यू ऑल ऑन माई इंस्टाग्राम दैट हाउ आई फील आफ्टर यूजिंग दिस टू कॉम्बिनेशन शैम्पू एंड कंडीशनर फ्रॉम ओरिफ्लेम। सो दिस इज माई फर्स्ट परचेज फ्रॉम ओरिफ्लेम। तो द अदर वन इज ओरिफ्लेम मिल्क एंड हनी गोल्ड sugar scrub and look at the stunning packaging, you guys. Look at this packaging. I hope it is visible to you all. जैसे कि नाम है मिल्क एंड हनी, ये हनी बी के वेब जैसी पैकेजिंग दे रही है। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सा इसका वेब भी बना हुआ है। सो दिस इज अ बॉडी स्क्रब एंड दिस इज अ शुगर स्क्रब। तो मैं इसको ट्राई आउट करूंगी एंड दिस सेज स्मूदनिंग शुगर स्क्रब और मैं इसको ट्राई आउट करूंगी एंड लेट यू नो कि हाउ इज दिस प्रोडक्ट। द अदर वन इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम रेंज एंड दिस इज देयर मिल्क एंड हनी गोल्ड शैम्पू फॉर शाइनी एंड नरिश्ड हेयर। ये मैंने ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मुझे शाइनी और नरिश्ड हेयर भी चाहिए है और फॉर ड्राई हेयर भी शैम्पू चाहिए था, तो मैंने दोनों ही ऑर्डर कर लिए, एक वो कोकोनट वाला और एक ये हनी एंड मिल्क वाला शैम्पू। तो मैं सारे शैम्पूज ट्राई करूंगी। अगर मैं ये खुद भी ट्राई नहीं करूँगी तो मैं अपनी मम्मा पे ट्राई कर लूँगी एंड आई विल यू नो गेट हर रिव्यू एंड विल अपडेट यू विद द रिव्यू। सो दिस इज द शैम्पू। अदर वन इज माय फेवरेट बिकॉज मुझे लिप बाम्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है तो मैंने अपने लिप बाम कलेक्शन में इसको भी ऐड कर लिया, ओरिफ्लेम टेंडर केयर रोज प्रोटेक्टिंग बाम। ये मेरे कपड़ों से मैच कर रहा है एंड दिस इज द एक्चुअल पैकेजिंग। और ये सच में रोज जैसा स्मेल भी कर रहा है और आप अंदर से इसका टेक्सचर भी देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ अ लिप बाम है और इसके अंदर स्मेल बिल्कुल रोज के जैसी ही आ रही है। तो मैं इसको भी ट्राई करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देन आई हैव बॉट टू बॉडी मिस्ट, नॉट वन बट टू बॉडी मिस्ट फ्रॉम ओरिफ्लेम एंड ये इनके सेंसिटी रेंज से है। एक है मिडनाइट मिस्ट और दूसरा है सन स्पार्कल। लेट मी जस्ट स्प्रे इट एंड सी। इट्स मोर ऑफ अ सिट्रसी काइंड ऑफ अ स्मेल एंड बॉडी मिस्ट में मुझे ऐसी ही स्मेल्स अच्छी लगती हैं जो थोड़ी सिट्रसी सी होती है, तो ये एक सिट्रसी टाइप ऑफ स्मेल है इसकी। दिस इज सन स्पार्कल एंड
इट्स अ फ्लोरल स्मेल, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, इट्स अ फ्लोरल स्मेल। एंड ये दोनों बॉडी मिस्ट भी मैंने ओरिफ्लेम से ऑर्डर किए। नेक्स्ट वन इज शार जेल, एंड दिस इज लव नेचर एक्सफोलिएटिंग शार जेल विच इज एनर्जाइजिंग एंड मिंट एंड रेसबेरी, एंड लुक एट द कलर। सो गाइज, इसमें ये छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं पूरे बॉडी वॉश में, तो दिस इज एन एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश, इसमें पूरे में ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। एंड दिस इज अ शार जेल, रियली वॉन्टेड टू यूज इट राइट नाउ, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्मेल है, बहुत ज़्यादा ही, लिटरली इफ यू ट्राई दिस इन योर वॉशरूम, पूरा वॉशरूम जो है आपका फ्रेग्रेंस से भर जाएगा। सो दिस इज द बॉडी वॉश, तो हो जाता है, लेकिन अपनी फुट क्रीम नहीं यूज़ करते हैं या फुट केयर नहीं करते हैं, तो मैंने ये भी ऑर्डर करी थी, फीट अप कम्फर्ट विद नेचर एवोकाडो एंड एलोवेरा ओवरनाइट मॉइस्चराइजिंग फुट क्रीम, और मेरे पैर फट रहे हैं, तो मैं ये क्रीम आज रात में ही ट्राई करूंगी और बहुत जल्दी मैं अपना रिव्यू इंस्टाग्राम पे अपडेट करूंगी। द अदर वन इज लव नेचर रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग क्रीम फॉर नॉर्मल स्किन विद ऑर्गेनिक एलोवेरा एंड कोकोनट वाटर। लुक एट द पैकेजिंग, द पैकेजिंग इज सो लग्जूरियस, एंड वट एवर द प्रोडक्ट इज हैविंग एज देयर मेन इंग्रेडिएंट, वो सारा यहीं पे एलोवेरा कोकोनट एज देयर मेन इंग्रेडिएंट, तो वो आपको पैकेजिंग पे भी मिलेगा। इसको भी मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगी एंड लेट यू नो अबाउट दिस प्रोडक्ट टू। देन आई हैव ऑर्डर्ड टू सोप्स, वैसे मैं सोप लगाती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मैंने ऑर्डर कर लिया है, मैं नहीं तो मम्मी यूज़ कर लेंगे, नहीं तो पापा यूज़ कर लेंगे। तो पहला है लव नेचर सोप बार सेंशुअल रोज एंड सैंडलवुड, एंड द अदर वन इज सोप बार एंटी बैक्टीरियल नीम एंड बेजल। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे ये रोज वाला ज़्यादा पसंद आएगा मुझे लग रहा है, ठीक है, मुझे इसकी स्मेल से पता चल रहा है कि ये मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये दो सोप भी मैंने ऑर्डर करे थे ओरिफ्लेम से। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर करा था एक परफ्यूम विच इज वेक अप फील गुड परफ्यूम, आई एम सॉरी मैंने इसको खोल लिया था गाइस, इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, ये इतना अच्छा येलो कलर है, आई जस्ट लव दिस येलो कलर, एंड लुक एट द स्टनिंग पैकेजिंग ऑफ दिस परफ्यूम, इट सेज वेक अप, देयर इज दिस लीफ विच फ्रॉम इनसाइड लुक्स लाइक दिस, एंड एंड द स्मेल इज टू डाई फॉर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल है, आई कॉन्ट डिफाइन कि कैसी स्मेल है, बट इट्स रियली वेरी नाइस, लगा लो तो बस पास से खुशबू ही खुशबू आएगी, इट्स रियली नाइस, यू कैन ट्राई दिस ऑन माई रिकमेंडेशन, इट्स रियली नाइस। एंड लास्ट थिंग जो मैंने ऑर्डर करी है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, और ये है ओरिफ्लेम का लव पोशन फ्रेग्रेंस सेट फॉर हर। एंड गाइस, मुझसे अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हुई थी तो मैंने ये खोल लिया था, एंड दिस सेट कंटेन्स अ परफ्यूम एंड अ बॉडी लोशन, तो ये दो चीज़ें आती हैं, मैंने ऐसे निकाल लिया था उसमें से तो वो ख़राब हो गया, तो बट लुक एट द पैकेजिंग इज सो स्टर्डी, वैलेंटाइंस पे अगर किसी को गिफ्ट देना है ना, तो ये लव पोशन यू कैन गिफ्ट टू योर गर्लफ्रेंड, ओके, तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, चुपके से दे देना अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट। लव पोशन फ्रॉम ओरिफ्लेम, एंड दिस हैज़ दिस टू प्रोडक्ट्स, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज लव पोशन परफ्यूम्ड बॉडी क्रीम, और मैंने इसको चुपके से खोल लिया था गाइज, लुक एट द टेक्सचर ऑफ द क्रीम, इट्स सो नाइस, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है एंड इट्स रियली नाइस, मैं थोड़ा सा लगाती भी हूँ एंड आपको बताती हूँ कि ये कैसा है, इट्स रियली अमेजिंग, बहुत अच्छी स्मेल है इसमें गाइज, और आप लगा सकते हो, और एक्चुअली मॉइस्चराइजिंग भी है, तो ये है परफ्यूम्ड बॉडी क्रीम। एंड द अदर वन इज दिस लव पोशन परफ्यूम, एंड जब मैं बॉटल दिखाऊंगी यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद द बॉटल ऑफ दिस परफ्यूम, लेट मी जस्ट ओपन दिस ब्यूटी, लुक एट द पैकेजिंग, Can you imagine the packaging? See, it's like
कोई पुराने जमाने का जिन इसमें से निकल जाएगा, बस उसको रब करो निकल जाएगा। बट लुक एट दिस स्टनिंग पैकेजिंग यू गाइस, इतनी अच्छी परफ्यूम पैकेजिंग और वो भी बहुत बहुत अच्छे अफोर्डेबल रेट्स पे। आई रियली लव दिस। एंड इसका हैंडल ऐसे खुलता है, सो परफ्यूम ये है एंड दिस इज द कैप। एंड द स्मेल इज मेस्मराइजिंग, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी स्मेल है गाइस। ये परफ्यूम है, रेड कलर की बॉटल है, इसका ब्लैक कैप है, सो ये बहुत स्टार। सो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, गो एंड ग्रैब दिस सेट एंड गिफ्ट टू योर गर्लफ्रेंड और टू योर मॉम और टू योर सिस्टर, व्हेवर यू कैन। दिस इज अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर देम। So that's it guys, this is all what I have bought from Auriflame. I hope aapko mera ye haul acha laga ho. Ye thoda chota haul tha, chota to nahi tha lekin bahut sare products the. I hope aapko ye video achhi lagi ho, aur agar achhi lagi ho to share it with your friends and family, and do not forget to like, share and subscribe to my channel, as well as hit that notification bell which is down there, so whenever I upload a new video you will be notified. Till then we'll meet in the next video, bye bye.